हाय एवरीवन, आपने ब्रेड से बनी हुई रेसिपीज़ तो बहुत खाई होंगी, बट जो ब्रेड के लेफ्टओवर्स होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, आज उससे रिलेटेड रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो उसे बनाने के लिए हम ब्रेड के कुछ बचे हुए साइड्स ले लेंगे और उसे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब एक पैन में हम 1-2 टेबलस्पून ऑयल लेकर के उसे हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारे ब्रेड के टुकड़े अब गोल्डन एंड क्रिस्पी हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। अब हम ब्रेड के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल लेंगे। इसके लाइट गोल्डन होने पर हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। आप अपने चॉइस के वेजीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ चॉप्ड शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिया है। इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। जब वेजीज हल्के सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसमें 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून तंदूरी सॉस डाल देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगेनो एंड 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट और लास्टली कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अब रेडी है। अब हम इसमें फ्राइड ब्रेड डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखा आपने, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। अब आपको इन ब्रेड के पीसेस को फेंकना नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेड चिली सर्व करने के लिए रेडी है। ऐसी रेसिपीज से हम चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और इन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर मोर सच रेसिपीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो।